हेलो प्यारे बच्चों, मैं आरके गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 12 के बच्चों के लिए हम डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको बिना प्रसरण किए हुए सारणिक के गुणधर्म को लगाना है। अब बच्चों थोड़ा हम चर्चा करना है कि प्रसरण नहीं करना है तो सारणिक के गुणधर्म क्या होते हैं। सारणिक का गुणधर्म पहला नंबर 1 है कि अगर C1 मान लीजिए यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो और यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ कुछ भी हो, इसमें देख रहे हैं कि C1 का मान C3 के मान के क्या है, बराबर है। तो जब आप डिटरमिनेंट्स में दो पद बराबर हो जाते हैं, यानी चाहे C1 के बराबर C2 हो जाए, चाहे C1 बराबर C3 हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। या तो आपका सभी एक पद C1 का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, या C2 का मान पद सभी 0 हो जाए, या C3 का सभी पद 0 हो जाए तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही दो सारणी के गुणधर्म है। इस गुणधर्म के आधार पर ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब बच्चों आप देख रहे हैं या आपका क्वेश्चन LHS में क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड ABC एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, यह दिया हुआ है। अब बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ एक्स प्लस ए है, अगर इसमें हम इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो क्या है, C1 में क्या करेंगे, C2 को जोड़ेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, जो गुणधर्म है C1 इज C1 प्लस C2 कर दें, तो C1 इज C1 प्लस C2, तो C1 यह है, C2 यह है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस ए या वाई प्लस बी और यहाँ जेड प्लस सी हो जाएगा। C2 में कोई परिवर्तन नहीं है, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या एक्स प्लस ए हो जाएगा, वाई प्लस बी हो जाएगा, जेड प्लस सी हो जाएगा। आप देख रहे हैं जितना वैल्यू C1 का है, कॉलम पहले कॉलम का मान जितना है उतना ही तीसरे कॉलम का मान है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह 0 आ जाएगा, RHS हो गया, यह आपका प्रूफ हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। यहाँ सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, यह भी बराबर आपको क्या लाना है, 0 लाना। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो आपकी डिटर्मिनेंट सारणी दिया हुआ है, यहाँ a माइनस बी है, अगर हम यह देखें सबको अगर ऐड करें तो क्या आ रहा है, पहले हम रफ काम कर लेंगे, मान लीजिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए करें तो देख रहे हैं यह प्लस a माइनस ए कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें गुणधर्म मिल गया, C1 इज क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 से। अब यह क्या है, C1 है, कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है, तो कॉलम नंबर 1 में हम क्या करेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी,
इसमें जोड़ेंगे तो सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बाकी कॉलम नंबर दो में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसको हम उसी तरह से उतार देंगे, सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। अब देखें बच्चों, ए से तो ए कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, इसी तरह बी से या बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ क्या बचा, बी माइनस सी बचा, सी माइनस ए बचा, ए माइनस बी हो गया, और सी माइनस ए हो गया, ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी हो गया। अब बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ C1 का मान यानी कॉलम नंबर एक तीनों पद जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। तभी हमने सारणिक का गुणधर्म बताया, या तो C1 का मान C3 के बराबर हो जाए, या तो C1 का मान C2 के बराबर हो जाए, दो कॉलम बराबर हो जाए, चाहे दो रो बराबर हो जाए, तो भी आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब देखें, या तो एक कॉलम आपका पूरा जीरो हो जाए तो x का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आर एच एस, यह हो गया आपका प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर तीन, देखें 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86, हमें क्या लाना है, जीरो लाना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 7, 65 फिर दिया है 3, 8, 75, यहाँ दिया है 5, 9, 86। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यह सी थ्री का मान 65 है, तो अगर इस पूरे पद को हम जीरो बनाएंगे तो क्या होगा, यानी सी थ्री क्या है, 65 है, तो सी थ्री में से सी वन को घटा दें और इसमें से हम क्या कर दें, 9, 7, 63, 63 में 2 जोड़ेंगे तब होगा, तो 9 × C2 कर लें, तो क्या ये C3 का जो गुणधर्म है वो फॉलो होगा कि नहीं, तो C3 का मान कितना है, 65 है, -2 और -9, 7, 63 हो जाएगा, तो देखेंगे यह 65 माइनस कितना हो जाएगा, 65, अर्थात यह मान जीरो आ जाएगा। इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 75 - 3 - 9, 8, 72, तो यह भी हो गया आपका 75 - 75, अर्थात यह भी जीरो आ गया। इसमें करेंगे तो यह 86 - 5 - 81, तो यह हो गया 86 - 86, तो यह भी आपका हो गया जीरो। यानी हमें कौन सा गुणधर्म अपनाना पड़ेगा, C3 = C3 - C1 - 9, C2 से, तो क्या मिलेगा आपको, 2, 3, 5, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, फिर C2 में परिवर्तन नहीं है, 7, 8, 9 इसमें परिवर्तन है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ये वाला कंडीशन, 65 - 2 और - 63, यहाँ लिखेंगे 75 - 3 - 9, 8, 72, यहाँ लिखेंगे आप 86 - 5 और - 81, क्या हो गया। अब देखें दो तीन पांच तो रहेगा ही, फिर 7, 8, 9 रहेगा, 7, 8 और 9। यहाँ से बच्चों आप देख रहे हैं 65 - 2 - 63, तो -63 - 2 - 65 हो गया, +65 में से -65 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर -72 - 3 -75 - 75 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से 81 और 5 कितना हो गया, 86 - 86 घटाएंगे तो जीरो आ गया। आपको क्या मिला, ये देख रहे हैं C3 का पूरा वैल्यू जीरो है, इसमें पूरा मान आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ये आपका हो गया रूट।
क्वेश्चन नंबर चार है, 1 1 1 BCCA AB A into B plus C B into C plus A C into A plus B, इसको हल करके हमें क्या लाना है, जीरो लाना है। तो आप देखें LHS की वैल्यू क्या है, 1 1 1 BCCA AB, यहाँ क्या है B plus C, यहाँ है A है, A B plus C, फिर क्या है A plus B, अरे C plus A, और यहाँ है C A plus D। यहाँ अब देख रहे हैं आप कि इसको अगर हम तोड़े तो क्या मिलेगा, 1, फिर क्या मिलेगा BC, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा AB plus AC, यह हो गया 1, यहाँ CA, इसको तोड़े तो क्या मिलेगा BC plus AB, यह हो गया 1, इसको AB हो गया, इसको तोड़े तो क्या मिलेगा CA plus BC। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 1 1 है, तो किसी एक कॉलम को आप 1 1 1 बना दें, तो अब देखें अगर इसको इसको जोड़ दें तो क्या मिलेगा, यानी लिखेंगे C3 plus C2 से गुणधर्म लगा देंगे हम, तो अब देखेंगे C1 और C2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 BC, यहाँ हो जाएगा CA, यहाँ हो जाएगा AB। अब देखें इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्रम वाइज मैं लिख रहा हूँ AB plus BC plus CA, क्योंकि AB धन AC धन BC, तो इसको क्रम वाइज लिखेंगे तो हम क्या आएगा AB धन BC धन CA, इसमें जोड़ेंगे तो इसमें भी क्रम वाइज AB धन BC धन CA, ये भी हो जाएगा AB धन BC धन CA, इसमें जोड़ेंगे देख रहे हैं कि AB है धन BC है धन CA, इसको भी लिखेंगे AB धन BC धन CA। अब बच्चों आप देख रहे हैं इसमें से जितना यहाँ है जितना यहाँ है उतना यहाँ है, तो आप क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा AB धन BC धन CA, क्या हो गया 1 1 1, यह हो गया BC, यह हो गया CA, यह हो गया AB, यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 1 1। अब देख रहे हैं कि यहाँ C1 का मान C3 के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा AB plus BC plus CA, और इतने की वैल्यू क्या हो गया 0, तो 0 का गुणा करेंगे तो 0, यह RHS प्रूव हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपसे दिया है, इतने को हल करके हमें इतना लाना है, तो आप देखें LHS का हल कैसे करेंगे, बी प्लस सी दिया है, सी प्लस ए दिया है, ए प्लस बी दिया है, यहाँ क्या दिया है क्यू प्लस आर दिया है, आर प्लस पी दिया है, या पी प्लस क्यू दिया है, यहाँ जेड प्लस वाई प्लस जेड दिया है, और यहाँ जेड प्लस एक्स दिया है, यहाँ एक्स प्लस वाई। अब बच्चों इसमें हम प्रसार करेंगे, यह देख रहे हैं इधर यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है, तो अब देखें R1 R2 और R3 की वैल्यू जब दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें R3 के पदों में विस्तार करें, R3 के पदों में जब विस्तार करेंगे तो R3 इज क्या हो जाएगा, R3 प्लस R1 प्लस R2 से। अब देखें ये R1 है, R2 है और R3 है, तो R3 के पदों में जब विस्तार करेंगे तो क्या आपका मान आएगा,
तो इससे बढ़िया हम आर वन के पदों में विस्तार करते हैं। आर वन के पदों में विस्तार करेंगे तो आर वन यह है यहाँ से यहाँ तक, तो आर वन इस क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस क्या हो जाएगा आर थ्री। तो इसमें क्या करेंगे आर वन आर टू आर थ्री को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, या तो यह आर वन है आर वन में आर टू आर थ्री को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे तो आर वन के जगह पर आर वन क्या है बी धन सी है, आर टू क्या है सी धन ए है, और आर थ्री क्या है ए धन बी है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए सॉरी बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, यह हो गया। आर टू में तो कोई परिवर्तन है नहीं तो सी प्लस ए हो जाएगा, आर थ्री में कोई परिवर्तन नहीं है तो ए प्लस बी हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू प्लस आर प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू। अब देखें इसमें परिवर्तन नहीं है तो आर प्लस पी हो जाएगा या पी प्लस क्यू हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा जेड प्लस यक्स यहाँ यक्स प्लस वाई, ये आपका डिटरमिनेंट। अब देखेंगे कि बी और बी कितना बी हो गया टू बी, ए ए मिलाकर टू ए, सी सी मिलाकर टू सी, यहाँ क्या हो जाएगा टू कामन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ से दो कामन ले लेंगे तो क्या आएगा पी प्लस क्यू प्लस आर आएगा, यहाँ से दो कामन ले लेंगे तो क्या आएगा यक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, और देखें यहाँ आएगा सी प्लस ए यहाँ आपका आर प्लस पी यहाँ आएगा जेड प्लस यक्स यहाँ आएगा ए प्लस बी और यहाँ होगा p प्लस क्यू और यहाँ होगा x प्लस वाई। अब देखें अब इसमें से तो आपको कॉमन दिख रहा है, यानी देख रहे हैं कि यहाँ जो यह R1 है उसमें से तो कॉमन निकल रहा है, तो दो कामन जब लेंगे तो क्या आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए फिर ए प्लस बी, यहाँ पर मिलेगा पी प्लस क्यू प्लस आर और यहाँ हो जाएगा आर प्लस पी और यहाँ हो जाएगा पी प्लस क्यू, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यह हो गया आपका जेड प्लस एक्स, यह हो गया एक्स प्लस वाई। अब बच्चों देखेंगे कि हम प्रसार करें कि यहाँ आपका ए आ गया, ए लाने के लिए हम क्या करेंगे, यह देख रहे हैं क्या है यह आर वन है यह आर टू है और ये आर थ्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यानी कोई इसमें से ऐसा पद घटाना पड़ेगा ताकि यहाँ ए आ जाए और यहाँ बी आ जाए और यहाँ सी आ जाए। तो अब क्या करेंगे यहाँ प्रसार करेंगे आर वन इज आर वन माइनस आर टू करते हैं तो देखें क्या आ जाएगा, अगर आर वन का मान कितना है ए धन बी धन सी है, माइनस करेंगे आर टू का मान क्या है सी प्लस ए है, तो आपका सी और ए कट जाएगा क्या आएगा सी और ए कट जाएगा तो बी आएगा, लेकिन हमें क्या लाना है ए लाना है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे आर वन में से आर थ्री को घटा देंगे, क्योंकि इसमें भी चेक कर लें पी और क्यू कट जाएगा तो क्या आएगा आर आएगा, इसका मतलब यहाँ सी प्लस ए है ए प्लस बी, एक मिनट सी प्लस ए प्लस बी ठीक है। अब देखें प्रसरण में कुछ आप काम करेंगे तो अभी आप इसको रहने दीजिए,
इसको थोड़ा सा आप प्रसरण कर दीजिए, तो किसमें करेंगे, अगर R2 को करते हैं तो क्या आएगा, R2 इज आपका प्रसरण हो जाएगा, R2 में से R1 को घटा देंगे। अब देखें R2 में से यह R1 है यह R2 है, जरा इसको घटाएं क्या होगा, R2 C प्लस A, और इसको घटाएंगे क्या आएगा, पहले रख काम करना, C प्लस A माइनस R1 का मान कितना है, A प्लस बी प्लस सी है, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, C प्लस A माइनस बी माइनस सी। अब देखें C से A से C से A से कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस बी बचेगा, यानी हमारा काम बन रहा है। फिर इसमें भी आप लिखें R3 इच R3 माइनस आप R1 कर दो तो क्या मिलेगा आपको, देखें यहाँ तो दो रहेगा ही, R2 इज R2 माइनस R1, इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं, तो क्या लिखेंगे, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिखेंगे क्या, P प्लस क्यू प्लस R, यहाँ क्या लिखेंगे, X प्लस वाई प्लस जेड, इसमें चेंजिंग है, R2 में से R1 को घटाया गया है, R2 में से R1 को घटाएंगे तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो आपको सॉरी यह R2 है तो क्या है, C प्लस A है, और इसको घटाएंगे R1 को तो माइनस A माइनस B माइनस C, C से C कटेगा, A से A कटेगा, क्या आएगा, माइनस का B आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे ए और बी कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस सी आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे क्यू और पी कट जाएगा, क्यू और पी कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस का आर आएगा, सॉरी माइनस का क्यू आएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे पी क्यू कट जाएगा, माइनस का आर आएगा, यहां से इसको घटाएंगे क्या आएगा, जेड और एक्स कट जाएगा, जेड और एक्स कट जाएगा, माइनस का वाई आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, माइनस का क्या आएगा, जेड आएगा। अब बच्चों आप देखें यहां से यह क्या है, सी वन है, और यह क्या है, इस तरह से आर वन है, तो आर वन में इसको इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर यह कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, ये बचेगा, यहाँ गुणधर्म लगाएंगे इसमें, R1 इज R1 प्लस R2 प्लस R3, यह हो गया दो। अब देखें R1 में हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, R2 का मान माइनस बी है तो माइनस बी, और इसका माइनस सी, यह हो गया, ये क्या है, R1 है। अब यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस R, और इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस क्यू माइनस R, यहाँ क्या है, X प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, बाकी तो इन मानों में कोई अंतर नहीं है, बी है माइनस क्यू है माइनस वाई है, यहाँ माइनस सी है माइनस आर है माइनस जे। अब बच्चों देख रहे हैं कि बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यहाँ क्यू से क्यू कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, क्या बचेगा, दो बचेगा, और यहाँ ए बचेगा, यहाँ माइनस बी, यहाँ माइनस सी, यहाँ क्या बचा, पी बचा माइनस क्यू माइनस आर, और यहाँ पर एक्स बचा माइनस वाई माइनस जेड। अब देख रहे हैं आर वन में से माइनस और आर सॉरी आर यह आर टू है और ये आर थ्री है, तो आर टू और आर थ्री में से माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखें ये आपका यहाँ से यहाँ तक R1 है, ये R2 है और ये R3 है,
तो क्या करेंगे, आर वन में से माइनस और आर टू में से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये आपको लाना था, आर एच यस हो गया, ये लिखेंगे प्रूव्ड। यहाँ आप दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं कि आर वन तथा सॉरी आर टू तथा आर थ्री से माइनस वन क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ से माइनस सभी में से कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह दो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट आपका टू इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये आपका प्रूफ करना था। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों, मैं आरके गुप्ता, सुभागी देवी इंटर कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 12 के बच्चों के लिए हम डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2 लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक आपसे कह रहा है, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको बिना प्रसरण किए हुए सारणिक के गुणधर्म को लगाना है। अब बच्चों, थोड़ा हम चर्चा करना है कि प्रसरण नहीं करना है तो सारणिक के गुणधर्म क्या होते हैं। सारणिक का गुणधर्म पहला नंबर एक है कि अगर C1 मान लीजिए यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, और यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ कुछ भी हो, इसमें देख रहे हैं कि C1 का मान C3 के मान के क्या है, बराबर है। तो जब आप डिटरमिनेंट्स में दो पद बराबर हो जाते हैं, यानी चाहे C1 के बराबर C2 हो जाए, चाहे C1 बराबर C3 हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। या तो आपका सभी एक पद C1 का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, या C2 का मान पद सभी 0 हो जाए, या C3 का सभी पद 0 हो जाए, तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही दो सारणी के गुणधर्म है, इस गुणधर्म के आधार पर ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब बच्चों, आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन LHS में क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, यह दिया हुआ है। अब बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ एक्स प्लस ए है, अगर इसमें हम इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो क्या है, C1 में क्या करेंगे, C2 को जोड़ेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, जो गुणधर्म है C1 इज C1 प्लस C2 कर देंगे, तो C1 इज C1 प्लस C2, तो C1 यह है, C2 यह है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस ए यहाँ वाई प्लस बी और यहाँ जेड प्लस सी हो जाएगा। C2 में कोई परिवर्तन नहीं है, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या एक्स प्लस ए हो जाएगा, वाई प्लस बी हो जाएगा, जेड प्लस सी हो जाएगा। आप देख रहे हैं जितना वैल्यू C1 का है, कॉलम पहले कॉलम का मान जितना है उतना ही तीसरे कॉलम का मान है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह 0 आ जाएगा, आर एच यस हो गया, यह आपका प्रूफ हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। यहाँ सी माइनस ए,
ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये भी बराबर आपको क्या लाना है, जीरो लाना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो आपकी डिटर्मिनेंट सारणी दिया हुआ है, यहाँ ए माइनस बी है, अगर हम यह देखें सबको अगर ऐड करें तो क्या आ रहा है, पहले हम रफ काम कर लेंगे। मान लीजिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए करें तो देख रहे हैं ये प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमें गुणधर्म मिल गया सी वन इज क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से। अब यह क्या है, सी वन है कॉलम नंबर एक है, कॉलम नंबर दो है, कॉलम नंबर तीन है, तो कॉलम नंबर एक में हम क्या करेंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस बी, इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, इसमें जोड़ेंगे तो सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बाकी कॉलम नंबर दो में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसको हम उसी तरह से उतार देंगे, सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। अब देखें बच्चों, ए से तो ए कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, इसी तरह बी से या बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, यहाँ क्या बचा, बी माइनस सी बचा, सी माइनस ए बचा, ए माइनस बी हो गया और सी माइनस ए हो गया, ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी हो गया। अब बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ सी वन का मान यानी कॉलम नंबर एक तीनों पद जीरो, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, तभी हमने सारणिक का गुणधर्म बताया, या तो C1 का मान C3 के बराबर हो जाए, या तो C1 का मान C2 के बराबर हो जाए, दो कॉलम बराबर हो जाए, चाहे दो रो बराबर हो जाए, तो भी आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब देखें, या तो एक कॉलम आपका पूरा जीरो हो जाए तो X का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आर एच एस, यह हो गया आपका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर तीन, देखें दो सात पैंसठ तीन आठ पचहत्तर पाँच नौ छियासी, हमें क्या लाना है, जीरो लाना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो सात पैंसठ फिर दिया है तीन आठ पचहत्तर, यहाँ दिया है पाँच नौ छियासी। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यह सी थ्री का मान पैंसठ है, तो अगर इस पूरे पद को हम जीरो बनाएंगे तो क्या होगा, यानी सी थ्री क्या है, पैंसठ है, तो सी थ्री में से सी वन को घटा दें और इसमें से हम क्या कर दें, नौ सात तिरसठ, तिरसठ में दो जोड़ेंगे तब होगा, तो नौ गुणे सी टू कर दें, तो क्या ये सी थ्री का जो गुणधर्म है वो फॉलो होगा कि नहीं, तो सी थ्री का मान कितना है, पैंसठ है, माइनस दो माइनस नौ सात तिरसठ हो जाएगा, तो देखेंगे यह पैंसठ माइनस कितना हो जाएगा, पैंसठ, अर्थात यह मान जीरो आ जाएगा। इसमें करेंगे तो क्या आएगा, पचहत्तर माइनस तीन माइनस नौ आठ बहत्तर, तो यह भी हो गया आपका पचहत्तर माइनस पचहत्तर, अर्थात यह भी जीरो आ गया। इसमें करेंगे तो यह छियासी माइनस पाँच माइनस इक्यासी, तो यह हो गया छियासी माइनस छियासी, तो यह भी आपका हो गया जीरो। यानी हमें कौन सा गुणधर्म अपनाना पड़ेगा, सी थ्री इज सी थ्री माइनस सी वन माइनस नाइन सी टू से, तो क्या मिलेगा आपको, दो तीन पाँच, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, फिर सी टू में परिवर्तन नहीं है, सेवन एट नाइन, इसमें परिवर्तन है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ये वाला कंडीशन, पैंसठ माइनस दो और माइनस तिरसठ,
यहाँ लिखेंगे 75 माइनस 3 माइनस 9 8 72, यहाँ लिखेंगे आप 86 माइनस 5 और माइनस 81, क्या हो गया। अब देखें दो तीन पांच तो रहेगा ही, फिर सात आठ नौ रहेगा, सात आठ और नौ। यहां से बच्चों आप देख रहे हैं 65 माइनस 2 माइनस 63, तो माइनस 63 माइनस 2 माइनस 65 हो गया, प्लस 65 में से माइनस 65 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 72 माइनस 3 माइनस 75 धन 75 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से 81 और 5 कितना हो गया 86, 86 में 86 घटाएंगे तो जीरो आ गया। आपको क्या मिला, ये देख रहे हैं C3 का पूरा वैल्यू जीरो है, इसमें पूरा मान आपका क्या हो जाएगा जीरो, ये आपका हो गया रूट। क्वेश्चन नंबर 4 है, 111 BCCA AB A into B plus C, B into C plus A, C into A plus B, इसको हल करके हमें क्या लाना है जीरो लाना है। तो आप देखें LHS की वैल्यू क्या है, 111 BCCA AB, यहाँ क्या है B, B plus C, यहाँ है A है, A B plus C, फिर क्या है B A plus B, अरे C plus A और यहाँ है C A plus B। यहाँ अब देखें आप कि इसको अगर हम तोड़ें तो क्या मिलेगा 1, फिर क्या मिलेगा B C, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा ए बी प्लस ए सी, यह हो गया 1, यहाँ सी ए, इसको तोड़े तो क्या मिलेगा बी सी प्लस ए बी, यह हो गया 1, इसको ए बी हो गया, इसको तोड़े तो क्या मिलेगा सी ए प्लस बी सी। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ 111 है, तो किसी एक कालम को आप 111 बना दें। तो अब देखें अगर इसको इसको जोड़ दें तो क्या मिलेगा, यानी लिखेंगे C3 plus C2 से गुणधर्म लगा देंगे हम। तो अब देखेंगे C1 और C2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा 111 BC, यहाँ हो जाएगा CA, यहाँ हो जाएगा AB। अब देखें इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्रम वाइज मैं लिख रहा हूँ AB plus BC plus CA, क्योंकि AB धन AC धन BC, तो इसको क्रम वाइज लिखेंगे तो हम क्या आएगा AB धन BC धन CA, इसमें जोड़ेंगे तो इसमें भी क्रम वाइज AB धन BC धन CA, ये भी हो जाएगा AB धन BC धन CA, इसमें जोड़ेंगे देख रहे हैं कि ए बी है धन बी सी है धन सी है, इसको भी लिखेंगे AB धन BC धन CA। अब बच्चों आप देख रहे हैं इसमें से जितना यहाँ है जितना यहाँ है उतना यहाँ है, तो आप क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा AB धन BC धन CA, क्या हो गया 111, यह हो गया BC, यह हो गया CA, यह हो गया AB, यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 111। अब देख रहे हैं कि यहाँ C1 का मान C3 के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा AB plus BC plus CA, और इतने की वैल्यू क्या हो गया जीरो, तो जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो, यह RH यस प्रूव हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपसे दिया है, इतने को हल करके हमें इतना लाना है,
तो आप देखें LHS का हल कैसे करेंगे, B प्लस सी दिया है, C प्लस A दिया है, A प्लस B दिया है, यहाँ क्या दिया है, Q प्लस R दिया है, R प्लस P दिया है या P प्लस Q दिया है, यहाँ Z प्लस Y प्लस Z दिया है और यहाँ Z प्लस X दिया है, यहाँ X प्लस। अब बच्चों इसमें हम प्रसार करेंगे, यह देख रहे हैं इधर यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है। तो अब देखें R1, R2 और R3 की वैल्यू जब दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें R3 के पदों में विस्तार करें, R3 के पदों में जब विस्तार करेंगे तो R3 इज क्या हो जाएगा, R3 प्लस R1 प्लस R2। अब देखें ये R1 है, R2 है और R3 है, तो R3 के पदों में जब विस्तार करेंगे तो क्या आपका मान आएगा, तो इससे बढ़िया हम R1 के पदों में विस्तार करते, R1 के पदों में विस्तार करेंगे तो R1 यह है यहां से यहां तक, तो R1 इस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3। तो इसमें क्या करेंगे, R1 R2 R3 को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, या तो यह R1 है, R1 में R2 R3 को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो R1 के जगह पर R1 क्या है, B धन C है, R2 क्या है, C धन A है और R3 क्या है, A धन B है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A सॉरी B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, यह हो गया। R2 में तो कोई परिवर्तन है नहीं तो C प्लस A हो जाएगा, R3 में कोई परिवर्तन नहीं है तो A प्लस B हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Q प्लस R प्लस R प्लस P प्लस P प्लस Q। अब देखें इसमें परिवर्तन नहीं है तो R प्लस P हो जाएगा या P प्लस Q हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Y प्लस Z प्लस Z प्लस X प्लस X प्लस Y, यहाँ हो जाएगा Z प्लस X यहाँ X प्लस Y, ये आपका डिटरमिनेंट। अब देखेंगे कि B और B कितना B हो गया, 2B, A A मिलाकर 2A, C C मिलाकर 2C, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B प्लस C आएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, P प्लस Q प्लस R आएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, X प्लस Y प्लस Z आएगा, और देखें यहाँ आएगा C प्लस A, यहाँ आपका R प्लस P, यहाँ आएगा Z प्लस X, यहाँ आएगा A प्लस B और यहाँ होगा P प्लस Q और यहाँ होगा X प्लस Y। अब देखें अब इसमें से तो आपको कॉमन दिख रहा है, यानी देख रहे हैं कि यहां जो यह R1 है उसमें से तो कॉमन निकल रहा है, तो दो कॉमन जब लेंगे तो क्या आपको मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, फिर A प्लस बी, यहाँ पर मिलेगा P प्लस क्यू प्लस R और यहाँ हो जाएगा R प्लस पी और यहाँ हो जाएगा P प्लस क्यू, यहाँ हो जाएगा आपका X प्लस वाई प्लस जेड और यह हो गया आपका जेड प्लस X, यह हो गया X प्लस वाई। अब बच्चों देखेंगे कि हम प्रसार करें कि यहाँ आपका A आ गया, A लाने के लिए हम क्या करेंगे, यह देख रहे हैं क्या है,
यह आर वन है, यह आर टू है और ये आर थ्री है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कोई इसमें से ऐसा पद घटाना पड़ेगा ताकि यहाँ ए आ जाए और यहाँ बी आ जाए और यहाँ सी आ जाए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ प्रसार करेंगे आर वन इज आर वन माइनस आर टू करते हैं तो देखें क्या आ जाएगा। अगर आर वन का मान कितना है, ये धन बी धन सी है, अब माइनस करेंगे आर टू का मान क्या है, सी प्लस ए है, तो आपका सी और ए कट जाएगा, क्या आएगा, सी और ए कट जाएगा तो बी आएगा, लेकिन हमें क्या लाना है, ए लाना है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, आर वन में से आर थ्री को घटा देंगे, क्योंकि इसमें भी चेक कर लो पी और क्यू कट जाएगा तो क्या आएगा, आर आएगा। इसका मतलब यहां सी प्लस ए है, ए प्लस बी है, एक मिनट, सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। अब देखें प्रसरण में कुछ आप काम करेंगे तो अभी आप इसको रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा आप प्रसरण कर दीजिए, तो किसमें करेंगे, अगर आर टू को करते हैं तो क्या आएगा, आर टू इज आपका प्रसरण हो जाएगा, आर टू में से आर वन को घटा देंगे। अब देखें आर टू में से यह आर वन है, यह आर टू है, जरा इसको घटाएं क्या होगा, आर टू सी प्लस ए, और इसको घटाएंगे क्या आएगा, पहले रख काम करना सी प्लस ए माइनस आर वन का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी है, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखें सी से ए से, सी से ए से कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस बी बचेगा, यानी हमारा काम बन रहा है। फिर इसमें भी आप लिखें आर थ्री इच आर थ्री माइनस आप आर वन कर दो तो क्या मिलेगा आपको, देखें यहाँ तो दो रहेगा ही, आर टू इज आर टू माइनस आर वन, इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिखेंगे क्या, पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें चेंजिंग है, आर टू में से आर वन को घटाया गया है, आर टू में से आर वन को घटाएंगे तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो आपको सॉरी यह आर टू है क्या है, सी प्लस ए है, और इसको घटाएंगे आर वन को तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सी से सी कटेगा, ए से ए कटेगा, क्या आएगा, माइनस का बी आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ए और बी कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस सी आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे Q और P कट जाएगा, Q और P कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस का R आएगा, सॉरी माइनस का Q आएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे P Q कट जाएगा, माइनस का R आएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे क्या आएगा, Z और X कट जाएगा, Z और X कट जाएगा, माइनस का Y आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, माइनस का क्या आएगा, Z आएगा। अब बच्चों आप देखें यहाँ से यह क्या है, सी वन है, और यह क्या है, इस तरह से आर वन है, तो आर वन में इसको इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर यह कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, ये बचेगा, यहाँ गुणधर्म लगाएंगे इसमें, आर वन इज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यह हो गया दो। अब देखें R1 में हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, R2 का मान माइनस बी है तो माइनस बी, और इसका माइनस सी, यह हो गया, ये क्या है, R1 है। अब यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर, और इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस क्यू,
माइनस आर। यहाँ क्या है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, बाकी तो इन मानों में कोई अंतर नहीं है। b है माइनस क्यू है माइनस वाई है, यहाँ माइनस सी है माइनस आर है माइनस जेड। अब बच्चों देख रहे हैं कि b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, यहाँ q से q कट जाएगा, r से r कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा। क्या बचेगा? दो बचेगा, और यहाँ a बचेगा, यहाँ माइनस b, यहाँ माइनस c, यहाँ क्या बचा p बचा माइनस q माइनस r, और यहाँ पर x बचा माइनस y माइनस z। अब देख रहे हैं R1 में से माइनस और R सॉरी R यह R2 है और ये R3 है, तो R2 और R3 में से माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखें ये आपका यहां से यहां तक R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो क्या करेंगे R1 में से माइनस और R2 में से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दो ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये आपको लाना था आर एच यस हो गया, ये लिखेंगे प्रूव्ड। यहाँ आप दर्शाना चाहे तो दर्शा सकते हैं कि R1 तथा सॉरी R2 तथा R3 से माइनस वन क्या लेने पर उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ लेने पर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ से माइनस सभी में से कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह दो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट आपका टू इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये आपका प्रूव करना था। प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, धन्यवाद।